हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 15 है ये। इसमें हम यूज़र का जो ऑर्डर पेज होता है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं कि हमें किस तरह का पेज डिज़ाइन करना है। तो ये हमारा एक माय ऑर्डर का पेज है यूज़र पैनल पे, कि उसने जो ऑर्डर दिया है तो उसके वहाँ पे वो कैसा दिखता है, कि उसने जो ऑर्डर दिया उसके बारे में क्या क्या डिटेल है। तो ये उसके प्रोडक्ट हैं, ये उसकी ऑर्डर डेट है और इसका टोटल अमाउंट है। तो इस तरह का हमें एक कार्ड डिज़ाइन करना है कि उसने जो ऑर्डर दिया है उसके बारे में उसको डिटेल दिखानी है। ठीक है, तो हम अपने एडिटर में आते हैं, सब लाइन में, और इसमें हम जो अभी हमने डैशबोर्ड बनाया था इसी को हम कॉपी करके एक नई फाइल में सेव करेंगे, माई ऑर्डर्स डॉट पी एच पी। ठीक है, ये हमने फाइल सेव कर दी माई ऑर्डर के नाम से। और हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें पेज दिखाना है अभी, माई ऑर्डर। और होम के अंदर हमने फाइल सेव की है माई ऑर्डर्स के नाम से। ठीक है, तो डैशबोर्ड की जगह हम लिखते हैं माई ऑर्डर्स। तो ये हमारा पेज आ रहा है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब हमारा जो टाइटल टैग है उसमें लिखते हैं माय ऑर्डर्स। ठीक है, और वेलकम की जगह हमें देना है वेलकम मैसेज, कहाँ ये रहा माय ऑर्डर, कि हमने कितना ऑर्डर किया हुआ है ऑर्डर्स। और इसमें वो काउंटिंग आ जाएगी कि हमने 10 15 20 जो भी ऑर्डर दिए हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इस रो को तो हम हटा देते हैं, इससे हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, इस रो को हमने यहाँ से हटा दिया। हमें इस तरह का पेज डिज़ाइन करना है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है, डीआईवी क्लास कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर हमें कार्ड बनाना है। तो इसको कमेंट करेंगे कार्ड सेक्शन, कॉपी कर लेते हैं डीआईवी क्लास कार्ड, डीआईवी क्लास कार्ड कंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक कार्ड बन के आ गया। अब इस कार्ड के अंदर हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक बटन है जिस पे ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, और ये ट्रैक का ऑप्शन है कि उसमें वो डिटेल देख सकता है कि उसका ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें करना है सबसे पहले बटन बनाना है। ठीक है, तो बटन नहीं, हमें ये लिंक बनाना है। तो HRF ये एंकर टैग क्लास बटन की लगेगी, UTN वेब फैक्ट वेब लाइट। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखना है ऑर्डर आईडी, जो भी हमारे ऑर्डर की आईडी रहेगी वो। और एक दूसरा बटन बनाना है, वो भी लिंक ही रहेगा, क्लास हमें देनी है BTN, ये सेम क्लास देनी है। अब इसको राइट में देना है कि ये राइट साइड से आए, और इसको हम लिख देते हैं ट्रैक ऑर्डर। ठीक है, कि ऑर्डर को ट्रैक कर सके, देख सके कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ठीक है, ये दोनों बटन आ गए। अब हमें क्या करना है, एक कार्ड कंटेंट दोबारा बनाना है। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालते हैं और इसको टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कार्ड कंटेंट आ गया। अब इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक रो बनी हुई है, एक में इमेज आ रही है, एक में ये टाइटल और क्वांटिटी आ रहा है, और दूसरे में प्रोडक्ट का स्टेटस और प्रोडक्ट का अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो एक रो बनाएंगे, रो। इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसमें हम बनाते हैं एल स्क्रीन पे टू कर देते हैं, एम पे हम इसको देते हैं 3, और एस पे हम इसको देते हैं 12। इसी तरह से जो हमारा दूसरा कॉलम रहेगा वो हमारा 5 रहेगा, इसको भी 5 कर देते हैं, इसको 12 करते हैं। और ये हमारा तीसरा कॉलम है,
ये 5 रहेगा, और मीडियम पे ये रहेगा 4, स्मॉल पे ये रहेगा 12 का। ठीक है, सबसे पहले कॉलम के अंदर आते हैं, इमेज लगानी है हमें यहाँ पे, इसको क्लास देंगे रिस्पॉन्सिव इमेज। ठीक है, पाथ डालना है इसके अंदर हमें इमेज का, BCURL एसेट्स इमेज लोगो डॉट PNG। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। अब हम दूसरे कॉलम में आते हैं, इसमें हमें देना है प्रोडक्ट की हेडिंग, तो इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हमारे प्रोडक्ट की हेडिंग हो गई, और इसके बाद में इसकी क्वांटिटी बतानी है कि इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी जैसे कि 5 डाल दी हमने, तो इस सेकंड कॉलम में सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दिखानी है हमें, ठीक है। इसके बाद हम चलते तीसरे कॉलम के अंदर, इसके अंदर हमें अमाउंट दिखाना है और ऑर्डर का स्टेटस दिखाना है कि ये ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया या नहीं हुआ। आइकन लगाना है इसके अंदर हमें रुपीज साइन का, स्पेन क्लास फा फा रुपीज साइन, ठीक है। और इसके अंदर हमें अमाउंट डालना है जैसे कि 250 रुपये, और इसके अंदर ये हमें हेडिंग देनी है एक कि प्रोडक्ट इज़ नॉट डिलीवर्ड, ठीक है। ये एक लाइन लिखी हुई है स्टेटस की कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड है या नहीं है, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा, अब इसको डिज़ाइन करना बाकी है। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, और जो ये रो बनाई है हमने, इस रो को फॉर लूप में डाल देते हैं, जैसे कि हम इसको लिख देते हैं i=0, i> जैसे कि इसने 5 ऑर्डर किया है, i++, और इसको एंड फोर कर देते हैं यहाँ पे, एंड फोर। 5वां लूप चल गया कि यानी कि इस ऑर्डर के अंदर इसके पास 5 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर रहेगा, जैसे वो मल्टीपल ऑर्डर भी कर सकता है और मल्टीपल प्रोडक्ट इसमें ऐड रहेंगे। ये तो अभी स्टैटिक है, जब ये डायनामिक बनेगा तो ये अलग रहेगा, ठीक है। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये बटन है, इसको बैकग्राउंड देते हैं, ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, ये हो गया। और जो दूसरा वाला है बटन, ट्रैक ऑर्डर वाला, इसका बैकग्राउंड नन रहेगा, कलर हम इसको दे देते हैं ग्रे, ठीक है। इस पर बॉर्डर लगा देते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर, तो ये इसकी बॉर्डर हो गई। इस पर वेब इफेक्ट लाइट नहीं दिख रहा, डार्क दिखेगा, ठीक है। ये दोनों हमारे बटन हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट को थोड़ा डिज़ाइन करना है, तो इमेज की जो साइज है हम उसको सेट करते हैं। सबसे पहले स्टाइल विड्थ हम रखते हैं जैसे कि 100 पिक्सल, हाइट भी हम रखते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये 100 100 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट का हेडिंग है, फॉन्ट साइज हम इसको देते हैं 20 पिक्सल, और फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है। अब क्वांटिटी को सही करते हैं, क्वांटिटी की फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी करते हैं, 16 पिक्सल, कलर ग्रे, ठीक है। इसको मार्जिन टॉप 0 कर देते हैं, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। यही क्लास हम इसके ऊपर लगा देते हैं, तो जो स्टाइल हमने इस टाइटल के ऊपर दी है वही हमारी अमाउंट के ऊपर रहेगी, और जो स्टाइल हमने इस क्वांटिटी को दी है वही हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर का स्टेटस पे रहेगी, ठीक है। ये डिज़ाइन हो गया। अब हमें क्या करना है कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि इस पर मार्जिन लगा हुआ है बॉटम में, तो मार्जिन बॉटम इसको 0 करेंगे,
तो ये थोड़ा कम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस ऑर्डर का टोटल दिखाना है कि ये ऑर्डर कब हुआ था और इसका टोटल अमाउंट क्या है। फिर से हमें कार्ड कंटेंट बनाना पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं इसको। ये कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, तो यहाँ से दूसरा कार्ड कंटेंट स्टार्ट करेंगे और H6 के अंदर हेडिंग लेंगे हम H6। इसके अंदर हमें लिखना है ऑर्डर्ड ऑन, जैसे कि संडे जनवरी, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, ठीक है, जून 5, 2020, ठीक है, इस तारीख को ये ऑर्डर हुआ है और इस ऑर्डर का जो टोटल अमाउंट होता है, ऑर्डर टोटल बराबर है इसका रुपी साइन का आइकन, और इसका जो टोटल है जैसे कि अभी हम कुछ भी लिख देते हैं, सिर्फ 2500 रुपये, ठीक है, ये इसका टोटल अमाउंट है। रिफ्रेश करेंगे, ये इसका टोटल अमाउंट आ रहा है, तो ये वाला काम हमारा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा क्या है सही करना है, बोल्ड करना है, जैसे कि इसकी जो डेट है इसको बोल्ड दिखाना है, तो बोल्ड कर देंगे इसको, और जो इसका अमाउंट है इसको भी हमें बोल्ड दिखाना है, इसको यहाँ पे बी का टैग लगा देंगे और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो ये बोल्ड दिख रहा है थोड़ा सा। पैडिंग हमें इसकी रखनी है जैसे कि 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, और जो हमारा ऊपर वाला कार्ड कंटेंट है बॉर्डर बॉटम दिखानी है इसको कि वो अलग लगे, दूसरा जो नीचे वाला सेक्शन जो दिया है वो थोड़ा अलग दिखे, तो बॉर्डर लगा देते हैं, सिल्वर कर देते हैं बॉर्डर को, तो ये हमारी बॉर्डर आ गई सिल्वर की, ठीक है। और हमें क्या करना है कि बॉटम से बराबर है लेकिन टॉप से ज़्यादा आ रहा है, तो ये मार्जिन की वजह से आ रहा है, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, ठीक है, ये सही हो गया। अब यही बॉर्डर हमें ऊपर लगानी है, तो इस बॉर्डर को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, तो ये बॉर्डर इसमें भी आ गई, तो ये हमारा एक ऑर्डर बन गया। अब इस तरह से मान लीजिए कि इसके पास कई सारे ऑर्डर हैं, तो इस कंटेनर के अंदर हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा, और जैसे कि मान लीजिए इसने 10 ऑर्डर ले रखे हैं या 10 ऑर्डर इसने कर चुके हैं, तो वो इसका ऑर्डर सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा कि पेंडिंग कितने हैं और कर ये डिलीवर्ड कितने हैं, तो इस कंटेनर का एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एंड फॉर करना है, पेज नॉट वर्किंग, एंड फॉर, आई की जगह हमें इसको जे करना है, जे लगाते हैं क्योंकि आई से पहले लूप चल रहा है, जे कर देते हैं इसे, ठीक है, ये पहला ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर, और हर ऑर्डर के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये अभी स्टैटिक है, फिर ये बाद में हम डायनामिक रखेंगे इसको, अभी हम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं ओनली। जैसे हमारा पेज डिज़ाइन का वर्क कम्प्लीट होगा फिर हम इसके PHP पे वर्क करेंगे, तो इस लेक्चर का वर्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि ऑर्डर का पेज डिज़ाइन कर लिया और उसकी ऑर्डर की हमने डिटेल दिखा दी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।